बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा प्रचार का दौर जोर शोर से जारी है। बड़े मन से नेता जहां जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने की अपील करते भी नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को कई बार शर्मनाक स्थितियों का सामना भी करना पड़ जा रहा है। दरभंगा जिले से एक प्रत्याशी का मंच टूटने का वीडियो सामने आया है। मामला जाले विधानसभा सीट का है, जहां भाषण देते वक्त एक प्रत्याशी का मंच ही टूट गया। आपको बता दें कि विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार मशकूर अहमद उस्मानी का मंच टूटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जब यह मंच टूटा तब वो जनता से संवाद कर रहे थे। मंच टूटने से पहले मशकूर अहमद उस्मानी भाषण देते दिख रहे हैं। छोटे से मंच पर उस्मानी के साथ कुर्सी पर बैठे और भी लोग देखे जा सकते हैं। जैसे ही उस्मानी ने खड़ा होकर भाषण देना शुरू किया और कहा कि जनता को सरकार चुनने का मौका मिलता है और लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और कब गिरा देना है। उस्मानी ने जैसे ही गिरा देना है कहा, उनका मंच गिर गया और समर्थकों के साथ मशकूर अहमद उस्मानी भी गिर जाते हैं, जिसके बाद वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी सा माहौल हो गया। गनीमत यह रहा कि किसी को चोट नहीं लगी। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो जाले विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान बताया जा रहा है। दरभंगा से कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आने के बाद से ही मशकूर अहमद उस्मानी काफी चर्चित उम्मीदवार बन गए हैं। यहां उनका मुकाबला जाले विधानसभा इलाके में वर्तमान भाजपा विधायक जीवेश कुमार के साथ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।